दोस्तों, बिहार में भी महामारी एक्ट लागू हो चुका है। अब तक आप इस बारे में जान ही चुके होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी घोषित होने के बाद केंद्र सरकार ने महामारी एक्ट यानी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लागू करने की सलाह दी है। बता दें कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में 11 मार्च को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया था। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी सलाहों को ठीक से लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश समेत बिहार के कई राज्यों में लागू भी हो चुका है और अब बिहार में भी। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आखिर इस एक्ट का मतलब क्या है और इस एक्ट से क्या होगा, ये साफ नहीं। तो आपको बता दें कि ये एक्ट खतरनाक महामारी रोकने के लिए बनाया गया था। ये एक्ट सिर्फ 4 खंडों यानी सेक्शंस में विभाजित है, जहां सेक्शन 1 में इसका शीर्षक और सीमा समझाए गए हैं, वहीं सेक्शन 2 में इसे लागू करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य और सेक्शन 2A की शक्तियां केंद्र सरकार को किसी महामारी को दूर करने के लिए दी गई हैं। इस बारे में वो जनता के लिए कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं और इसे हर हाल में मानना जरूरी होता है। इस सेक्शन के मुताबिक जब राज्य सरकार को लगे कि महामारी फैल रही है, फैलने की आशंका है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ उपाय कर सकती है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के तरीके बताए जाएं और आम लोग उन तरीकों को आजमाएं ही। महामारी एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में आइसोलेशन में डालकर इस रोग को फैलने से रोक सकती है। अगर कोई इस निर्देश को नहीं मानता तो उस पर पेनल्टी लगाने का अधिकार भी सरकार रखती है। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पहली राज्य समन्वय समिति की बैठक में इस एक्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस एक्ट से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने सभी सरकारी इमारतों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो और टैक्सी को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राजधानी पटना के 3 सतारा होटलों को भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। फिलहाल बिहार में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार अपनी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।